उत्तर प्रदेश में अब तक एसपी डीएसपी शिकायत करते थे कि विधायक और सांसद उनकी सुनते नहीं, मगर अब तो उल्टा ही मामला सामने आया है। अब विधायक आरोप लगा रहे हैं कि एसपी डीएसपी उनकी बेइज्जती करते हैं। बुंदेलखंड के बांदा जिले के विधायक ब्रजेश प्रजापति का आरोप है कि बैठक में उन्हें बैठने के लिए जगह तक नहीं दी गई, जिसकी शिकायत उन्होंने सीएम आदित्यनाथ योगी से की है। अब तक तो यही सुनते थे कि उत्तर प्रदेश में योगी के राज में विधायकों का बड़ा रौब चलता है। एमएलए साहब सत्ता की धनक दिखाकर जिसे चाहे धमका देते हैं। जनता से लेकर एसपी डीएसपी तक सब नेताजी के सामने कांपते हैं। मगर अचानक सब बदल गया। अब नेताजी की जगह एसपी और डीएसपी का बोलबाला है। नेता अब सीएम योगी को चिट्ठी लिखकर अधिकारियों की शिकायत कर रहे हैं। बुंदेलखंड के बांदा जिले से बीजेपी विधायक ब्रजेश प्रजापति ने आरोप लगाया है कि एसपी और डीएसपी हमारी बेइज्जती करते हैं। दरअसल 23 जून को बांदा की एसपी शालिनी ने समन्वय समिति की बैठक बुलाई थी, जिसमें डीएम दिव्य प्रकाश गिरी वहां पहुंचे। विधायक प्रजापति भी बैठक के लिए बताए गए वक्त पर शाम 5 बजे पहुंच गए, लेकिन वहां डीएम और एसपी के लिए दो बड़ी ऊंची वीआईपी कुर्सियां लगाई गई थी, लेकिन एमएलए के लिए जनरल कुर्सी लगाई थी। दोनों अधिकारियों के सामने माइक लगे थे, लेकिन विधायक के लिए कोई इंतजाम नहीं था, जिस पर नेताजी भड़क उठे और उन्होंने इसकी शिकायत सीएम से कर डाली। ब्रजेश प्रजापति ने कहा कि प्रोटोकॉल में एमएलए का कद प्रमुख सचिव से भी बड़ा है, लेकिन एसपी और डीएम ने उनकी बेइज्जती की है, जिस पर सीएम को कार्रवाई करनी चाहिए। डीबी लाइव की रिपोर्ट।